आज आपको घर में धूनी कैसे देना है बड़ा ही आसान तरीका सिखाने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। जिस घर में लगातार धूनी दी जाती है ना, उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज रहती है। तो कैसे हम अपने घर में धूनी दे सकते हैं बड़ी घर में आसान से मिलने वाली चीजों के साथ ही, आज हम धूनी कैसे देना है ये सीखने जा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते ना, उनके लिए बता रही हूँ क्या क्या इसमें सामान लगेगा। सबसे पहले ये जानिए, देखिए धूनी देने के लिए कुछ इस तरह की पूजा की दुकानों पे आपको मग मिल जाते हैं या फिर बड़ा सा दिया मिल जाए, जरूरी नहीं आपके पास ऐसा ही हो, किसी भी तरह का आप ले सकते हो, ठीक है। फैले हुए दिए भी मिल जाते हैं बड़े से, जितना थोड़ा सा स्पेस होगा तो अच्छा ही है। मेरे में हैंडल भी है ताकि घुमाना आसान रहे। तो इस तरह का आपने कोई भी बर्तन मग दिया कुछ भी ले लेना है धूनी देने के लिए। अब क्या क्या चीजें लगेंगी, सबसे खास चीज जो इसमें लगेगी वो है उपले। उपले इस तरह के उपले, ठीक है, ये गाय के गोबर के जो उपले होते हैं ना, ये वो है। आसानी से पूजा की दुकान में आपको पैक किए हुए उपले ये मिल जाते हैं, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये है उपले, जिनको क्या किया है मैंने, ये घी में डिप करके रख लिए हैं ताकि ये आसानी से जल सके, ठीक है। अब मान लीजिए आप सुबह अपनी धूनी लेने जा रहे हैं, तो आपने इनको डिप करके ऐसे अपने उपले कर लिए तैयार। यहां पर मैंने लिया है शुद्ध घी, और साथ में हम क्या क्या चीजें है, देखिए उपला इस तरह से भी मिलता है, ये पूजा की दुकान में इस फॉर्म में आपको उपले मिल जाएंगे। तो उसी उपले को थोड़े छोटे छोटे तोड़कर घी में डुबो लेना है, जिससे कि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ठीक है। तो आपने उपले किया, घी ले लिया, अब क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई है देखो, इसमें बड़ा आसान आसान चीजें मैंने ली है, क्योंकि सुबह शाम जो रेगुलर हमको धूनी देनी है, तो क्यों हम बहुत टफ चीजों के चक्कर में पड़े। जो चीजें घर में आसानी से मिल रही है क्यों ना हम उनसे भी धूनी दे दें। तो आपने क्या क्या लेना है, सबसे पहले लिया है तेज पत्ता। तेज पत्ते जरूर हम लेते हैं, तेज पत्ते आप सभी लोग जानते हैं कि घर से निगेटिविटी को दूर भगाते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, खासतौर पर मनी की वाइब्रेशंस बहुत क्रिएट करता है तेज पत्ता। हमने तेज पत्ता लिया है, साथ में हमने लिए हैं कुछ लौंग, ठीक है। घर में ही आपको लौंग सबके घर में होती है, आपने थोड़ी सी लौंग ले ली। थोड़ा सा आप इसमें लेंगे हरी इलायची, ये थोड़ी सी हरी इलायची ली है मैंने, का ये हरी इलायची थोड़ी सी ली है, हरी इलायची आप इसमें डालेंगे, साबुत रहेगी, है छीलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे खोल लेंगे काफी है। इसके अलावा हमने लिए हैं कपूर, ये मैंने लिया है कपूर, कपूर जरूर लीजिए, कपूर से घर का शुद्धिकरण होता है। इन सारी ही चीजों से घर का शुद्धिकरण होता है, निगेटिव वाइब्रेशन घर से दूर भागती है और आपको अपने घर में बड़ा सुख शांति का एहसास होता है। कपूर के अलावा हमने लिए हैं यहाँ पर सरसों, मैंने काली सरसों ली है यहाँ पर, आप भी काली सरसों ले सकते हैं, पीली भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीली और काली दोनों ही सरसों हम इस्तेमाल करते हैं, पीली हो तो बेहतर है, मेरे पास काली थी मैंने काली सरसों ली है, ठीक है। साथ में हम लेते हैं थोड़ा सा लोबान, ये लोबान है, लोबान घर में अकेले ही जला दिया जाए ना, लोबान की धूनी अकेले ही दे दिया जाए तो इतना अच्छा होता है कि हर तरह से निगेटिविटी, चाहे वास्तु दोष हो, घर में बीमारियां हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, सब अपने आप दूर होती है। तो आपने क्या किया, लोबान भी थोड़ा सा ले लिया, कपूर ले लिया, साथ में हमने लिया है थोड़ा सा गुड़। आप लोग देख रहे होंगे गुड़, गुड़ या बताशे, बताशे और गुड़ दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले ले, बताशे जिसके घर में हो वो बताशे भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इतना आपने सामान इकट्ठा कर लिया, आप चाहे ना तो इन सारे सामान को एक साथ मिक्स करके डिब्बे में रख लें। अब जैसे गुड़ है तो गुड़ गर्मी में मेल्ट होने लगता है तो हम अलग ही रखते हैं, बाकी और जो सामग्री है जैसे लोबान हो गया, इलायची हो गई, सरसों दाना हो गया, लौंग हो गई, तो ये सब कुछ हम एक जगह मिक्स करके ही रखते हैं। मिक्स किया हुआ बस थोड़ा सा निकाला और अपना काम करना, आपने धूनी देना शुरू कर दिया। पर डे आपको इस तरह सजाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ इसलिए मैंने दिखाया है, ठीक है। अब आप कैसे ले लिए, देखिए ये जो हमने इसमें डिप किए हुए ये वाले हमने लिए हैं उपले, जिसको हमने पहले से ही घी में डुबो के डिप करके रखा है ताकि घी को एब्जॉर्ब कर ले। अब आप क्या करेंगे, उपले में थोड़े से डाल देंगे यहाँ पे कपूर, आपने ये लिया कपूर डाल दिया, कपूर डालने के साथ ही अब आप करेंगे अग्नि को प्रज्वलित। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, देखिए
जब आप अच्छे फेथ के साथ अच्छी भावनाएं रखकर रोज घर में धुनी देते हैं ना, तो जरूर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली इस तरह से। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद तो सबसे पहले अग्निदेव को ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम अग्निदेव को ही नमन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने इसमें अग्नि प्रज्वलित कर ली। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी लौंग डाल देंगे, आपने इसमें लोबान भी डाल दिया, आपने इसमें थोड़ी सी हरी इलायची डाल दी, सरसों के दाने डाल दिए, थोड़े से तेज पत्ते जो है ना क्रश किए हुए आपने इसमें तेज पत्ते डाल दिए, ऐसे करके तोड़ के या टूटे हुए जो पत्ते रहे आपने तेज पत्ते डाल दिए। साथ में आपने डाल दिया थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा आपने गुड़ डाल दिया। देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, देखिए गुड़ डालते ही एक अच्छी सी सुगंध आ रही है। साथ में आपने इसमें डाला घी। घी और गुड़ की जो सुगंध आती है ना, वो तो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से एकदम शुद्ध कर देती है, ठीक है। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा लुबान भी डाल दिया। तो इस तरह से ये आपका तैयार हुआ धुनी देने के लिए। इस तरह से धुनी देना होता है। धुनी देने के लिए जरूरी नहीं कि पूरे टाइम आपकी अग्नि जलती रहे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। धुनी देना मतलब इन चीजों का जो धुआं है ना, स्मोक है, वो अपने पूरे घर में घुमाना। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं यहीं से दिखा रही हूँ। आप सबसे पहले अपने भगवान के, अपने इष्ट देव को प्रणाम कर दें। सुबह शाम जब भी आप धुनी दे रहे हैं, अपने इष्ट के सामने प्रणाम करके उनसे निवेदन करें कि मेरे घर को क्लीन कर दे, मेरे घर में वास करें और सारी दुख तकलीफें मेरे घर से बाहर कर दे। देखिए कितनी प्यारी सुगंध आने शुरू हो गई। ईश्वर को, अपने देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद इस धुनी को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। मेन डोर से शुरू कर दे और पूरे घर में ऐसे 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 सब कमरे में सब जगह जाके आपको धुनी घुमानी है। धुनी में इसका धुआं होना चाहिए। अगर ये बंद भी हो जाती है, बुझ भी जाती है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको धुएं से मतलब है, ठीक है। तो आपने पूरे घर में ऐसे जा जाके अपना सब जगह इसको घुमा दिया। जिस घर में सुबह और शाम ये वाली जो मैंने आपको धुनी बताई है, ये धुनी दी जाती है, कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मकता उसके घर में वास नहीं कर सकती, नहीं रह सकती। आपके घर की आप एक हफ्ते ही करके देख लीजिए, आपके घर की वाइब्रेशन एकदम आपको खुद ही चेंज फील होगा। घर में सुख शांति का माहौल आएगा और बहुत अच्छा एटमोसफेयर बनेगा। तो इस तरह से हम देते हैं धुनी आराम से, ऐसा कोई बर्तन पूजा की दुकान से लेके, सभी लोग इस मेथड से धुनी देना शुरू करिए और देखिए अपने घर में, अपने जीवन को बदलने के लिए छोटी छोटी चीजें हमें खुद करनी चाहिए। तो ये होता है धुनी देने का तरीका। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आज से धुनी देना शुरू करें। सुबह शाम अगर ये धुनी देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार तो कम से कम देना शुरू करें। कैसा आप लोगों को रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त। फिर से अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।